राम राम दोस्तों। दोस्तों तो एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ दिन पहले जिनको 10 लोग भी नहीं जानते थे, आज उन्हें पूरे दुनिया जान रही है। आज उन्हीं के जैसा, उसी नेता के जैसा पूरे दुनिया के नेता क्यों बनना चाह रहे हैं, आज उन्हीं को क्यों पूरे देश फॉलो कर रहे हैं, पूरे भारत, पूरे विश्व के लोग उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों तो जिन गुंडों के डर से घर के महिलाएं और बच्चे शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज वही गुंडे डर के कारण अपने घर में क्यों छुप गए हैं। उस व्यक्ति का नाम सुनकर गुंडों या फिर अपराधियों का पतलून गिल्ला कैसे हो जाता है, उनके अंदर खौफ इस प्रकार से उनका खौफ फैला हुआ है कि गलती करने से पहले उनको हजार बार सोचना पड़ता है कि हम इस गलती को करने जा रहे हैं। दोस्तों तो एक समय था जब श्री योगी आदित्यनाथ संसद भवन में रो रो कर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उनको फंसाया जा रहा था, उनको जेल भेजा जा रहा था। आज वही व्यक्ति को लोगों फॉलो करने लगे हैं और दोस्तों आज वही व्यक्ति ने एक बुलडोजर जो माटी कोड़ता था, जिससे काम खेतों का काम किया जाता था, जिससे घर का बुनियाद बनाया जाता था, आज वही उसी घर को आज तोड़ा जा रहा है, वही बुलडोजर से उसी घर को गिराया जा रहा है। दोस्तों यही काम के कारण पूरे देश में और पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ फेमस हो गए और हर देश के बच्चे और बूढ़े के दिलों में राज करने लगे। पहले अपराधी अपराध करके जेल जाते थे और वापस बेल होके अपने घर जाते थे, जिस घर को उन्होंने अपराधी गैर तरीके से बनाए हुए रहते थे। आज इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने उसी अपराधी को उसी का घर तोड़कर जेल भेज देता है और वापस आने के बाद उसका घर भी नहीं रहने देता है, जिस ताकि उस घर में भी आप नहीं रह सके और उस घर का भी नहीं याद हो जिस घर को आपने अपराध तरीके से बनाया था, किसी गरीबों को लूट के बनाया था। तो यही कारण है कि श्री योगी आदित्यनाथ देश के हर एक बच्चे के दिलों में राज करते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। दोस्तों तो श्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को पूरे विश्व में दिखा दिया कि एक अपराधी के साथ कैसे पेश आना है, उसको कैसे उसका सबक सिखाना है। तो आज तक आपको एक भी नेता ने ऐसा नहीं बोला होगा सीना ठोक के कि आप इस चौराहे पे अपराध करोगे और अगले चौराहे पे आपका अमराज इंतजार कर रहा होगा आपके जनाजे के लिए। आज एक व्यक्ति की वजह से बुलडोजर भारत से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पहुंच गया और बता दिया कि भारत में अपराध करने से अपराधियों के ऊपर क्या कार्रवाई किया जाता है और उनका सजा उनके कई जन्मों तक उनको भुगतना पड़ता है। दोस्तों आदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।